तो दोस्तों ये है गन्ना जिसको हम ईख भी बोलते हैं। दोस्तों आज बताने जा रहे हैं हम आपको कि इसके अंदर होता क्या है। दोस्तों इसके अंदर होता है आयरन। दोस्तों गन्ना आयरन से भरपूर होता है। ठीक है दोस्तों, गन्ने का जूस पीने से या गन्ना खाने से हमें, अगर पी लिया किसी को भाई को हो जाता है या किसी को भी पी लिया है तो ठीक होने के काफ़ी चांस होते हैं दोस्तों। तो पीलिया के मरीज को गन्ना ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों। एक दोस्तों, अगर आपके मुंह पर छाइयों की प्रॉब्लम है, खासकर ये महिलाओं के अंदर होती है ये छाइयों की प्रॉब्लम, तो अगर आप गन्ने का रस पीते हैं या गन्ना खाते हैं तो आपके जो छाइयाँ हैं, लगभग गन्ने का सेवन करने से लगभग आपको ये छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लीवर के लिए सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। गन्ना खाने से हमारे जो दांत हैं वो मजबूत होते हैं दोस्तों। दोस्तों आपने पहले देखा होगा, पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग लोग थे हमारे, जो हमारे बचपन में देखते थे हम, तो क्या थे कि हम गन्ना खाते थे दोस्तों, गन्ने से हमारे दांत मजबूत होते थे, हम ऐसे मुंह से छील के खा लेते थे। आजकल के बच्चे जो हैं कैसे छीलते हैं दोस्तों, चाकू की मदद से या फिर बड़ों को छीलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दांतों के अंदर मजबूती नहीं दोस्तों। पहले गांव में बिकने आते थे, ट्रॉली लेके आते थे बेचने के लिए गन्ने, तो खूब शौक से लेके खाते थे दोस्त। तो दोस्तों ये गन्ना खाने से एक तो हमारे दांत मजबूत होते हैं, दूसरा हमारे दांत साफ रहते हैं, दांतों के अंदर कैविटी वगैरह जो होती है वो नहीं बनती। ठीक है, दांतों में प्लाक जमा हो जाता है, वो नहीं जमा होने पाता। ये खाने से दोस्तों काफ़ी, मतलब आपके दांत आप क्लीन महसूस करोगे, जैसे कि आपने ब्रश कर लिया है, एक दातुन की तरह भी काम करता है दोस्तों ये गन्ना, आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आप गन्ने को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने से आपको काफ़ी लाभ होगा दोस्तों। उसके तो आप फ्रेश गन्ना खाने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जूस वाले कई बर्फ मिला देते हैं, कई पुराना, और एक चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्तों, आप जब भी जूस पिए तो फ्रेश निकलवा के पिए, क्योंकि गन्ने का जो आप जूस पी रहे हो वो ज़्यादा देर तक रहने के बाद वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो उसके तो आप फ्रेश जूस पिए और कम बर्फ़ का पिए दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।